नमस्ते। आज हम नंदुरबार की तोरणमाल पहाड़ियों के बीच में हैं। पहाड़ियों का विहंगम दृश्य देखते ही बनता है और प्रकृति की शक्ति के प्रति हम सब नतमस्तक होते हैं इस विराटता को देख करके परमात्मा की। तो अब हम इस पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर हैं, जहां पर हम प्राणायाम करेंगे। प्राण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम इसको किस तरह से लें कि हम शक्ति से भर जाएं। तो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसको हमको ज्ञान मुद्रा लगा करके लंबी गहरी श्वास भरनी चाहिए अपने फेफड़ों में और पूरी श्वास छोड़नी चाहिए। इससे दमा, अस्थमा, कफ की और मस्तिष्क की सारी समस्याएं, सारे ब्लॉकेज हटते हैं। हृदय स्वस्थ होता है, मस्तिष्क स्वस्थ होता है, फेफड़े स्वस्थ होते हैं। इस तरह लंबी गहरी श्वास लेनी चाहिए, 2-2.5 सेकंड में लेनी चाहिए और 2-2.5 सेकंड में छोड़नी चाहिए। जो युवा हो, जो स्वस्थ हो, वो इसको तीव्रता पूर्वक भी ले सकते हैं, जिससे मन शांत होता है, धारणा ध्यान समाधि का सामर्थ्य बढ़ता है। इस तरह 3 से 5 मिनट करके हम अपने मन को शांत करके ध्यान कर सकते हैं, जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है, मानसिक शांति और एकाग्रता भी आती है। अद्भुत प्राणायाम प्राणों के माध्यम से हम भीतर लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में प्राण में इतनी शक्ति है, उसको हम तब जानेंगे जब हम पूरी शक्ति से श्वास अपने भीतर भरेंगे फेफड़ों में, जो फेफड़े उससे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इससे फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है। तो इसको रोज किया करें, फेफड़ों की शक्ति बढ़ाएं, अपने जीवनी शक्ति बढ़ा करके जीवन को अधिक से अधिक जिएं। यह है भस्त्रिका प्राणायाम।